Well, Uddhav Thackeray, the first pictures that are coming in, Sanjay Raut along with him, as right now he will be speaking on the issue as far as the Supreme Court's verdict is concerned. Cutting across to that live updates coming in. But in the meantime, to his right, Nitish Kumar can also be seen, the Bihar Chief Minister, who seems to be in a spree of visiting when it comes to the opposition party leaders and the chief ministers of different states there. So Nitish Kumar meeting Uddhav Thackeray, and in a short while Uddhav Thackeray is also expected to speak on today's Supreme Court verdict as well. And however, there is no relief, however, that came in for Uddhav Thackeray, because in the meantime, the Supreme Court has said that he voluntarily stepped down as the chief minister, and the status quo ante now cannot be changed. But Rakesh is with us right now. Rakesh, this is more of politics that we are speaking rather than today's Supreme Court verdict. Nitish Kumar and Uddhav Thackeray in the same frame. Yes, in fact, Nitish Kumar's meeting with Uddhav Thackeray was a pre-scheduled one, because he was entrusted some responsibility from the opposition parties as far as the unity in the opposition is concerned at the national level to counter Modi government. Speaking right now, we're just going to cut across to that live audio. हे पहिला प्रथम आलेले आहेत आणि लढवय्या शब्द वापरल्यानंतर इथे त्यांचा येण्याचा हेतू हा आपल्याला सगळ्यांना कळला असेल. देशामध्ये एकूणच लोकशाहीची हत्या होते की काय असं चित्र दिसतंय, आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वच नुसते मी विरोधी हा शब्द नाही वापरणार, तर विरोधी कोणाचे विरोधी, तर जे लोकशाहीची हत्या करू इच्छित आहेत त्यांचे विरोधी, असे सगळे देशप्रेमी पक्ष आणि जनता एकत्र करण्याचे जे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते प्रयत्न आणखी बळकट करण्यासाठी नितीशजी आणि तेजस्वीजी आणि त्यांच्यासोबत त्यांचे सगळे सहकारी आलेले आहेत, त्यांचं सगळ्यांचं मी स्वागत करतोय. आजच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सुद्धा आलेला आहे, आणि मला खरंच एका गोष्टीचं समाधान आहे. मी वारंवार असं म्हटलं होतं की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा केवळ शिवसेनेचा नसेल, तर तो आपल्या देशातल्या लोकशाहीच्या बद्दल, लोकशाही जिवंत राहणार की नाही याबद्दलचा असेल. आणि सर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये एकूणच सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघडं नागडं राजकारण हे त्यांनी त्याची पूर्णपणाने चिरफाड केलेली आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे राज्यपाल महोदयांची जी भूमिका होती, उद्धव ठाकरे द शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे फॅक्शन चीफ नाव सिटिंग विथ नितीश कुमार बट इज टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन द शिंदे वर्सेस उद्धव केस इज वेलकम द डिसिजन एंड सेड द सुप्रीम कोर्ट टुडे हॅज अंडरलाइन द डर्टी ट्रिक्स बाय द देन गव्हर्नर in unseating me as the chief minister. पण राज्यपाल यंत्रणेचे झिंडोडे ज्या पद्धतीने शासन करते काढतायत ते बघितल्यानंतर he says that then governor undermined the constitution, did not follow the norms or the procedure as laid down in the constitution. पुढे आपल्याला न्यायला पाहिजे. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये The Supreme Court verdict today exposes the role of the former governor. बोलण्याची गरज नव्हती वगैरे वगैरे सगळे आता आपण डिटेलमध्ये गेल्यानंतर कळेल, पण अपात्रतेचा निर्णय हा त्यांनी अध्यक्षांवरती जरी सोपवला असला Now he's talking about the disqualification plea. He says, although the Supreme Court has put the ball in the Speaker's court, we will wait for what happens there. ह्याच्यामध्ये वेळ न काढता the speaker must without wasting time decide on the disqualification petition. लेकिन आज नितीश जी और तेजस्वी जी आए हैं, मैं आपका स्वागत कर ही रहा हूँ, और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है. मैंने जैसे अभी अभी आपको कहा जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक जला शुभ शकुन असं म्हणतो की इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी उच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया. इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है. जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता. मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है. और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं,
लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे, और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। तो आपने तो बात बता ही दिया है, सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए, बातचीत तो बहुत होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया, और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है, तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे, तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने देश के हित में, और आज़ादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आज़ाद हुआ है और कितना ज़्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा, कि कोई कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए, कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े, और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है, समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ एक साथ मिल करके काम करेंगी, और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बात हम लोगों की होती रहती आ ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया, और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। सर अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का, विचार तो एक ही है ना भाई, देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे, तो ये सब चीज़ों के लिए करेंगे। इन लोग को अपना कर रहे हैं ना, इन लोग आज़ादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है अपने अपने ढंग से, नई नई चीज़ों का नामकरण कुछ भी होते रहता है, जो तो विचित्र बात है। तो इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे, और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी, और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। सर सवाल देखिए, दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है, आपने कहा लड़ाई में अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ से इसके दो पक्ष ये हैं कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती? पहला मैं मानता हूँ, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिक देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूँ, कैसे हो सकता है?
ये तो गद्दार लोग है। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं कहा लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आपकी सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए जैसे मैंने दिया। महाविकास आघाडी मध्ये सुद्धा जे सर्व प्रमुख नेते होते त्यांनी तुम्हाला म्हटलं होतं की राजीनामा देऊ नका, आपण फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाऊ। तुम्ही भावनिक राजकारणाला महत्व दिलं नाही, मी असेल तो कदाचित आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल। जे आता म्हटलं की ज्या घरांनी ज्या पक्षांनी ज्यांना सगळं काही दिलं सगळं काही घेऊन सुद्धा जे माझ्या पाठीत वार करायला निघाले त्यांनी माझ्यावरती अविश्वास आणावा हे मला काही पटलेलं नाही। म्हणजे एक तर स्वतः गद्दार, त्यांनी घात विश्वासघात त्यांनी केला, विश्वासघात करणाऱ्यांकडून मला जर विश्वासदर्शक ठराव अविश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारलं जात असेल तर ते अयोग्य आहे। अभी क्या क्या रोल, अभी क्या वो सिनेमा या नाटक थोड़ी है कि रोल कैसे रहेगा, ये देखो ऐसा रोल रहेगा। ये रोल तो जब ये हम लोग अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं, विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा आपकी कुछ? ठीक है चलो, अभी तो हम इतना आ रहे हैं। देखिए सबको एकजुट करना चाहते हैं लेकिन अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये जान लीजिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि सब एकजुट हो, मिल करके सब लोग लड़े और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धांत बना के चले और देश को आगे बढ़ाएं। वो नहीं बनना है और जो भी बनेंगे वो सब मिलके सबको आगे बताएंगे। उद्धव जी